हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो डिस्कस करूंगा वो अबाउट टू दी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 10 का है, लाइट चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इमेजेस को स्टडी करते हैं यहाँ इस चैप्टर में। तो इमेजेज किसके, वो कोई ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास में, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ एक वर्टिकल जो है एरो की फॉर्म में दिखाया हुआ है। इसकी जो इमेज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम रहेगी, या उसका जो हाइट है वो कम हो जाएगा, या ये उल्टी हो जाएगी, या इससे बड़ा जो है इसका साइज हो जाएगा। तो ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, उस चीज को हम यहाँ स्टडी करेंगे। और इसके लिए जो है वो टू जो है मिरर्स जो है यूज किए हुए हैं। अब ये मिरर जो है आपके किस टाइप के हैं, एक को बोलते हैं कनकेव और दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्स। तो टू टाइप के मिरर आपके हैं, राइट। और इनको मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे आप घर के अंदर जो मिरर है जिसमें आप अपना फेस ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो प्लेन है, राइट। वो प्लेन मिरर है एक इस टाइप से, और उसमें आप अपना जो है ये हम लोग देखते हैं इमेजेस वगैरह। तो इस तरीके से ये प्लेन मिरर है। और कनकेव मिरर क्या होगा, अगर हम इसको आगे या पीछे की साइड मोड़ दें, किस तरीके से कि भाई ये कुछ इस तरीके से निकल जाए ये जो, राइट। तो अब ये जो है आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर ये बीच में से उठा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और ये अगर पीछे की साइड को हम लोग इस तरीके से मोड़ दें तो ये जो होगा आपका कनकेव मिरर होगा। ये जो है कनकेव होगा, कनकेव मिरर। तो ये तो हुए दो टाइप मिरर के, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, राइट। तो यहाँ एक पहला पॉइंट तो आप ये क्लियर कर लें। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ कि भाई जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो वो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली आपके पास में यहाँ एक हम कोई मीडियम कंसीडर करते हैं, या एक ग्लास या एक मिरर इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। तो और यहाँ सेंटर में जो है इस पॉइंट पर एक आप नॉर्मल इस तरीके से यूज करते हैं या ड्रा करते हैं। अब एक इंसिडेंट लाइट रे है वो इस साइड से आई है और यहाँ स्ट्राइक करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, राइट। ये क्या है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो आफ्टर दी रिफ्लेक्शन जो लाइट होगी वो सेम मीडियम में ही जाएगी, और जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही जो है आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ आर से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नंबर वन पॉइंट जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो लाइट रे है ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये आप समझें कि ये जो आपने मिरर था ये किसी टेबल पे रखा हुआ है,
राइट, ये मिरर किसी टेबल पे आपने रख दिया है कुछ इस तरह से। तो अब ये लाइट यहाँ आपने किसी टॉर्च के थ्रू इसके ऊपर डाला जो मिरर है, और ये आपने कहाँ रखा टॉर्च, हाथ में पकड़ के रखा, तो वो स्पेस के अंदर था ना, एयर में था, उस ऊपर से आया और ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ होगी, ये ग्लास के अंदर से तो नहीं जा रही है, ये इस लकड़ी के अंदर से ऐसे निकल के नहीं जा रही है, तो ये उसी मीडियम में, राइट, उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हुई है, और ये नॉर्मल भी आपका एयर में ही है। तो अब ये इंसिडेंट लाइट रे जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में है, और वो प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है किसके, ये जो आपने ग्लास यहाँ पर रखा हुआ है, जो ये रखा हुआ है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और उसके बाद में क्या है नॉर्मल, ये जो आपने ड्रा किया हुआ है, और उसके बाद क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ये सब जो हैं एक ही प्लेन में होंगे, ऑल जो लाई करेंगे इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी इस ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, तो जो भी मैं लिख रहा हूं वो उसी के ऊपर लिख रहा हूं, एक्चुअली ये तो टू डायमेंशनल है, एक एक्सिस ये है और दूसरी एक्सिस ये है, तो इसी में ये आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, राइट, तो उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो ये जो भी मैं लिख रहा हूं उसी प्लेन में है, राइट, जिस तरीके से ये आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, तो उसी प्लेन में मैं सब कुछ लिख रहा हूं ये। तो ऐसे ही अगर हम कोई एक बॉक्स ले लें, राइट, और उस बॉक्स को थ्री डायमेंशन में जो है उसकी पिक्चर ड्रा करें कुछ इस तरह से, राइट, तो अब इसका एक प्लेन तो ये हुआ जो आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल सामने, राइट, दूसरा प्लेन उसका ये हुआ, इस साइड का एक ये हुआ, एक ये दो ये हुआ, और इसके इधर तीन, ये आपका पहला फेस, और ये आपके सामने का हो जाएगा, ये इधर का और उसके सामने ये हो जाएगा, और फिर एक ये बॉटम साइड में है, इस बॉटम साइड को आप ऐसे कर लीजिए, और एक ये इसके ऊपर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में सिक्स फेसेस हैं, तो एक ये बॉटम हुआ, एक ये आप जो फ्रंट में देख रहे हैं, और एक ये साइड में हुआ। तो पॉइंट ये है कि प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे, ठीक है, एक ये प्लेन हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक नॉर्मल आपने ड्रा किया है, राइट, तो अब ये जो नॉर्मल है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट, तो अब मैं अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे डालता हूं तो वो किस प्लेन में है, तो वो यहाँ जो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, और इसको अगर मैं ऐसे यहाँ आप वर्टिकल कर देता हूँ इस तरीके से, ये वर्टिकल कर दिया, तो अब ये लाइन यहाँ ऊपर से ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद इसी प्लेन में ऐसे जाएगी, तो ये सब के सब एक ही प्लेन में है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा पॉइंट जिसको मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, राइट, तो ये पहली फाउंडेशन थी, और आई होप कि इस पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो लाइट चैप्टर के अंदर मैंने डाल दी है, आप समझ रहे होंगे कि ये चैप्टर कितना मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले जो चैप्टर हैं, आने वाले जो टॉपिक हैं, उसमें आप आई होप कि इंजॉय करेंगे कि इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कि हम लोगों का जो इंसिडेंट लाइट रे है नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये सब एक प्लेन में है, तो एक प्लेन वो कैसे ड्रा करेंगे आप, वो एक प्लेन कुछ इस तरह से आप ड्रा कर लेंगे ये, तो अब ये एक ही प्लेन में, राइट, तो ये सारा जो है वो वर्टिकल प्लेन है, और एक ही प्लेन है, उसी से लाइट आई उसी से गई, नॉर्मल भी उसी प्लेन में खड़ा है, राइट, तो इस सेकंड सेंटेंस का मतलब जो था वो ये रहा, और पहला जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये। अब 10 मिनट्स में आप देखिए कि आपने एक छोटा सा पॉइंट सीख लिया है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसका जो लॉ है, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, राइट,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो मिरर्स से इमेज कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।